हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण संगठन लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज, और इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है UNO। क्या है UNO? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। हिंदी क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। सदस्य देशों की संख्या 193 है, यानी कि सदस्य देशों की संख्या कितना है? 193। और लास्ट देश जो शामिल हुआ है वो है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। वर्तमान में महासचिव सचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर। अगला है WTO। क्या है WTO? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 है। और जो लास्ट देश शामिल हुआ है वो है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? रॉबर्टो एजेवेडो, जो ब्राज़ील से है। कौन है? रॉबर्टो एजेवेडो, जो कि ब्राज़ील से है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है WHO, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है WHO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम, जो इथोपिया देश से है, ठीक है। टेड्रोस अधानोम, जो कि इथोपिया देश से है। चलिए अगला देखते हैं, फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर है ILO, ठीक है। ILO, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना हुआ था 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। स्थापना कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? गॉय राइडर, जो कि ब्रिटेन से हैं। गॉय राइडर, जो कि ब्रिटेन से हैं। चलिए अगला देखते हैं, फाइव नंबर, ठीक है। तो फाइव नंबर है रेड क्रॉस। क्या है रेड क्रॉस? इसका स्थापना हुआ था 1863 ईस्वी को। संस्थापक है हेनरी ड्यूरेंट। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सिक्स नंबर। सिक्स नंबर है वर्ल्ड बैंक। क्या है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसका स्थापना हुआ था जुलाई 1944 ईस्वी को। कब हुआ था? जुलाई 1944 ईस्वी को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। इसके में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास, जो USA से है। कहाँ से हैं? USA से हैं, डेविड मालपास। चलिए अगला देखते हैं, सेवन नंबर। सेवन नंबर में है यूनेस्को, ठीक है। क्या है? यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में महासचिव है आद्रा ओजोले, जो फ्रांस से हैं। कौन है? आद्रे ओजोले, जो कि फ्रांस से है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एट नंबर। एट नंबर में है IMF। क्या है IMF? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। इसका स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 189 है, ठीक है। वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो बल्गेरिया से है। कहाँ से है? बल्गारिया से, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा,
जो कि बल्गारिया से है। चलिए अगला देखते हैं, 9 नंबर। ठीक है, तो 9 नंबर है नाटो। क्या है? नाटो है, NATO। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रेडरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 30 है। ठीक है, इसमें देखिए वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, स्टोल्टेनबर्ग है। चलिए अगला देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर में ADB। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ADB। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 68 है। कितनी है? 68। जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असकावा, जो कि जापान से है। ठीक है, मात्सुगु असकावा, जो कि जापान से है, जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, चलिए अगला देते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर में है एशियन। क्या है? ASEAN। ठीक है, क्या है? आसियान, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हिंदी होता है दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसका स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जाकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, जाकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10। और वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में महासचिव है लिम जॉक होई, जो ब्रुनेई से है। लिम जॉक होई जो ब्रुनेई से है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 12 नंबर। तो 12 नंबर में है सार्क। ठीक है, क्या है? सार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी को। मुख्यालय काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1950 ईस्वी में ढाका, जो बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश में। इसका देखिए वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, वर्तमान महासचिव कौन है? तो अहमद हुसैन बी सियाल, जो कि पाकिस्तान से है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर। तो 13 नंबर में है NAM। इसका फुल फॉर्म होता है नन एलिग्न मूवमेंट। क्या होता है? नन एलिग्न मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? तो 1961 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल जाकर्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जाकर्ता है। ठीक है, देखिए गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड, जो साइबेरिया में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? साइबेरिया के बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर है ओपेक। क्या है ओपेक? इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 15 है। कितनी है? 15। ठीक है, अगला देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपीय यूनियन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 ईस्वी को। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम। चलिए अगला देखते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर है ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बी से ब्राज़ील, आर से रूसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, BRICS। बी से ब्राज़ील, आर से रूसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। पहले यह ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था, BRICS नहीं था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग होता है एस से, इसलिए ब्रिक्स लग गया। ठीक है,
चलिए अगला देते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर है यूनिसेफ। क्या है यूनिसेफ? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है आईओसी। ठीक है, आईओसी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक, जो कि जर्मनी से है। कहाँ से है? जर्मनी। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है फीफा। क्या है फीफा? FIFA। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना हुआ था 21 मई 1904 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 211 है। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है गियानी इनफेंटिनो, जो कि स्विट्जरलैंड से है। ठीक है, गियानी इनफेंटिनो, जो कि स्विट्जरलैंड से है। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर है ICC। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी को। मुख्यालय है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की है। ठीक है, कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर, जो कि भारत से हैं। ठीक है, CEO कौन है? तो मनु साहनी, जो कि भारत से हैं। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है ICJ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्थापना कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? हेग, जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल कावी यूसुफ। कौन है? अब्दुल कावी यूसुफ, जो कि सोमालिया से हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है WMO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950 ईस्वी को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है IAEA। ठीक है, क्या है? IAEA। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, हिंदी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1957 ईस्वी को। मुख्यालय है वेना, ऑस्ट्रेलिया में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 171 है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रासी, जो कि अर्जेंटीना से है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 24 नंबर, और आज का लास्ट। ठीक है, 24 नंबर है, सॉरी 24 नंबर और आज का लास्ट है। 24 नंबर है इंटरपोल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था। स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी को। मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? किम जोंग यंग, जो कि दक्षिण कोरिया से है। ठीक है, किम जोंग यंग दक्षिण कोरिया से है। चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।